सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ईश्वर के समक्ष केवल प्रार्थना ही ना करें बल्कि ध्यान भी लगाएं। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं जबकि ध्यान में ईश्वर हमसे बात करते हैं। कभी किसी को भला बुरा कहने से पहले या अवश्य कभी भी किसी को भला बुरा कहने से पहले यह अवश्य सोच लें कि यदि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। किसी से भी झूठ बोलें लेकिन स्वयं से कभी भी झूठ ना बोलें। आज का पंचांग 14 जनवरी 2023 दिन शनिवार माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 7:23 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र शाम 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:49 से 11:08 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 6:48 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रात्रि 8:49 तक रहेंगी। इसके उपरांत मकर राशि में प्रवेश करेंगी। मकर संक्रांति का संक्रमण काल आज रात 8:49 बालावकरण में होगा क्योंकि सूर्य देव के मकर में गोचर इस रात के समय हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार अगले दिन यानी 15 जनवरी को सूर्योदय के बाद मनाया जाएगा। कन्या राशि 14 जनवरी 2023 दिन शनिवार आपको कोई अप्रत्याशित धन मिल सकता है। सोच समझकर निवेश करें, जोखिम भरी सट्टेबाजी से बचें। आध्यात्मिक या रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से चिंता और उदासी दूर किया जा सकता है। बुराइयां आपकी चिंता का कारण बनेगी। संबंधों में खासकर घनिष्ठ रिश्तों में चतुर बने चातुकार नहीं। आपके लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से संतोषजनक होगा। मनोदशा के बदलते रहने की वजह से कोई भी गंभीर फैसला लेने से बचें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हर स्थिति में सफलता दिलाएगा। याद रखें कि हर दिन अच्छा नहीं हो सकता किंतु हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। आज के दिन आपके लिए विशेष है क्योंकि आज आप किसी दूसरे शहर में रहने वाले से या विदेश में किसी से संपर्क स्थापित करेंगे। यह आपके लिए करियर के लिए फायदेमंद होगा। अपने मेल देख लें क्योंकि मेल बॉक्स में कोई महत्वपूर्ण अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विदेश में रह रहा कोई मित्र आपको साथ काम करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। सेहत से जुड़े कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी रोमांचित कर देगी। आपको अपने रोमांच को नियंत्रित करने की जरूरत है। रोमांचक दिन है क्योंकि आपके प्रिय का फोन आएगा। दफ्तर में आप तारीफ पाएंगे। आज जीवन में कई अहम मुद्दों पर आप घर वालों के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। आपकी बातें घर वालों को परेशान कर सकती है किंतु इन बातों का हल अवश्य निकलेगा। मुमकिन है कि आज आपका जीवन साथी खूबसूरत शब्दों में यह बताएगा कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं। परिवार के साथ कोई मनोरंजक अथवा धार्मिक यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन और सलाह पर अमल करना आपके लिए वरदान साबित होगा। युवाओं को अपनी करियर संबंधित कोई समाचार मिलने से राहत मिलेगा। सकारात्मक सोच की वजह से आसपास का वातावरण बदलता हुआ नजर आएगा। जो लोग आपसे जुड़े हैं उन्हें आप प्रेरित कर पाएंगे। काम संबंधित भागदौड़ बढ़ सकती है। व्यस्तता के कारण सेहत को नजरअंदाज ना करें। काम संबंधित लोगों के साथ संबंध बदलते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए गलत विचार न रखें। रिलेशनशिप में सकारात्मकता नजर आएगी। पैर दर्द की समस्या भी हो सकती है। ध्यान रखें आप अपने आंतरिक शक्तियों का अनुभव करेंगे जिससे आपकी मानसिक स्थिति काफी सकारात्मक रहेगी। लोग आपके टैलेंट को भी पहचानेंगे। घर में किसी प्रियजन का आगमन सभी के लिए खुशियां ला सकता है। धन के मामलों में किसी पर ज्यादा भरोसा न करें। सावधान रहें।
अहंकार और ईर्ष्या में पढ़कर आप लाभकारी योजना खोज सकते हैं। बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में आज अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानियां, मानसिक सुकून और शांति बनाए रखने के लिए सकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें और कुछ समय मेडिटेशन या आध्यात्मिक बातों पर जरूर लगाएं। सुनी सुनी बातों और अफवाहों पर ध्यान ना दें तथा बिना हकीकत को समझे कोई निर्णय भी ना लें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में आपसे सामंजस्य और मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंध भी मर्यादा पूर्ण रहेंगे। कोई रिश्ता अगर इस समय काम नहीं कर रहा है तो वो लाइलाज बीमारी की तरह है। ऐसे में इस रिश्ते से छुटकारा पाना ही अच्छा विकल्प है। आपका व्यक्तित्व और मानसिक शक्तियाँ आपके प्लस पॉइंट है। अचानक कोई दुख या झटका आपको विचलित कर सकता है। अपनी अप्रत्याशित मानसिकता के कारण कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। जीवन के कुछ निर्णय भविष्य की योजनाओं से जुड़े होते हैं। अगर माहौल गर्म हो रहा है तो कभी कभी थोड़ा सा परिहार परिस्थितियों को अनुकूल बना सकता है। समस्याओं को दबाने की जगह उन्हें तुरंत हल करें। आपको आज घर में घुसे नहीं रहना है। आज बाहर निकलकर अपने साथी के साथ मजे करने का दिन है। जो व्यस्क साथी हैं वे अपना रिलेशनशिप स्टेट बदलने के लिए बहुत उत्सुक हैं और प्यार की तलाश में लगे हुए हैं। खुद से फिर सवाल करें, क्या आपके सपनों का राजकुमार बहुत ताकतवर ही होना चाहिए या आपको ज्यादा देखभाल करने वाला भावनात्मक आदमी चाहिए। बात करते हैं करियर की। आपका करियर आपकी योजना के अनुसार नहीं जा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नए सिरे से इसे शुरू करना सबसे अच्छा उपाय है। सबसे पहले आप अपना बायोडाटा ढंग से तैयार करें और इसे सबसे अधिक प्रासंगिक व्यक्ति को दें, जो कि आपने अभी तक नहीं किया है। इसमें आपको अपने करियर को नियंत्रण में लेने की जरूरत है, बजाय कि यादृच्छिक घटनाएं आप पर हावी हो। आज किसी करीबी या सहकर्मी से संबंधित समस्या, दुर्घटना या अप्रिय खबर से आपका मन कामकाज में नहीं लगेगा। इसी क्रम में काम करने का दबाव भी बढ़ सकता है। अचानक प्राप्त हुए आय को आप अपने सुख सुविधा के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आगे बढ़कर इसे हासिल करें। आज कुछ भी आपकी योजना के अनुसार नहीं होता, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। अपने कौशल को बढ़ाने के प्रयास करेंगे, इससे आपको लंबे समय तक फायदा होगा। रवैये को बदलने के लिए यह अच्छे क्षण हैं। किसी भी काम में सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। बिजनेस में मन मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में कोई बड़ी डील होने की संभावना है। साथ ही प्रत्येक कार्य नियत समय पर पूरे होते जाएंगे। बात करते हैं सेहत की। मौसम का प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अपनी दिनचर्या और खान पान सुव्यवस्थित रखें। लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक लापरवाही रहेंगे, लेकिन आज आप असामान्य रूप से अपने स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में रुचि लेंगे। आप कोई शारीरिक गतिविधि वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने खाने में भी बदलाव लाएंगे। आप अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प चुनेंगे। अब से आप काम या पार्टी जो भी करें, आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने के मूड में हैं। आज का उपाय, गरीबों को आज काली तिल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।